भी क्षमा है, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मन में खुशी होगी सर कि नहीं, आखिर हुआ है जिसकी मांग। इस पे खुशी क्या है? लगातार अपमान। एक सांसद का करप्शन के लिए निकलना, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निकलना, एक सांसद के नाते मुझे पीड़ा देता है। ये खुशी का दिन नहीं था कल एक गम का दिन था, इसलिए मैंने आप लोगों से क्षमा मांगी, फिर आज मैं क्षमा मांगा कि आप लोग 10 साल से शासन कर रहे हैं, नेहरू की बात क्यों करते हैं। कांग्रेसियों को यही सबसे बड़ी समस्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को यही समस्या है। लेकिन आज ही आप देखें कि रेट जो चल रहा है पिछले 3 दिन से, कांग्रेस के ही सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, तीसरी बार के सांसद, सुबह तक की जो मेरी जानकारी थी हवाई जहाज़ में चढ़ने के पहले तक 290 करोड़ रुपया कैश गिनती हो चुका था, 8 लॉकर खुलना बाकी है, 10 कमरे खुलने बाकी हैं। ये संख्या जो है वो 500 करोड़ तक चली जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। 500 करोड़ तो कैश है, फिर जो संपत्ति है वो संपत्ति 1000 करोड़ की होगी, जो कागज़ इनक्रिमिनेटिंग जो है डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो ये कांग्रेस ने पूरे देश के अर्थतंत्र को, पूरे देश के सिस्टम को खोखला बना दिया है। और ये पैसा एक आदमी का नहीं हो, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में आपको ध्यान हो कि धीरज साहू ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और राहुल गांधी के साथ उनका कई एक फ़ोटो भी वायरल हुआ है, उसमें ये दिखता है कि ये कांग्रेस का पैसा हो सकता है, ये भूपेश बघेल का पैसा हो सकता है, झारखंड सरकार का पैसा हो सकता है। ये पैसा 2000-3000 करोड़ तक जा सकता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे और एक पाई पाई का हिसाब लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी, पाई पाई का हिसाब लेंगे और जितने कांग्रेसी चोर हैं वो सब सलाखों के पीछे जाएंगे। और मुझे लगता है कि इसमें ईडी की इंक्वायरी शुरू होनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।